जान की कटिंग जान स्टार्ट हो गई है। देसी मशीन के साथ दाढ़ी की कटाई। अस्सलाम वालेकुम, यहीं से व्लॉग शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत मेहरबानी। तो आज कुछ मौसम बारिश कुछ रुक गई है, बादल तो लेकिन अभी भी हैं, ऊपर तो सफ़ेद सफ़ेद है सारा, शायद धूप निकले या ना। कल तो बस आधा घंटा गुजरता था फिर चार बूंदे बारिश की, इसी तरह पूरा दिन ही कुछ ना कुछ पड़ती रही। तो रात को भी नहीं पड़ी, तो अभी भी नहीं, तो भी पता नहीं, न्यूज़ में तो कह रहे हैं पड़ेगी, देखते हैं क्या बनता है। 11:30 का टाइम है और अंदर बैठा था, दाने हमने ये फिल किया था उस दिन भुने थे, और एक डिब्बा अंदर भी पड़ा, दोनों खाली हो गए। इसमें चार दाने पड़े हैं बस, बाकी सारे खाली हो गए। अमरूद देखें क्या हाल किया हुआ है, काफ़ी दिन का पड़ा है, अभी तो ख़राब हो गया है सारा। काफ़ी ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखें सूरज काफ़ी निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बादल उसे आने ही नहीं दे रहे। अगर बादल ना होते तो आज सूरज निकलना था। तो भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यख ठंड, कुछ ये हाल हो गया। कुछ तो पत्ते हैं, कुछ ये रेड़ी वगैरह, काफ़ी बार यहाँ से चारा लेकर गुजरे हैं। इसके अलावा जो पैसे वगैरह अंदर बांधती थी तो बाहर निकालनी, तो उन्होंने आते हुए सारी जगहें ख़राब कर दी। अभी अगर यहाँ पे धूप निकली लगी तो फिर ये पक्की हो जाएगी, नहीं तो ये ऐसे ही रहनी है दो चार दिन। सड़क जो है कुछ अभी चलने के काबिल है, लेकिन बाइक वगैरह थोड़ा मुश्किल ही है गुजरेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता से चला जाएगा तकरीबन। ज़्यादा ये रेड़ियाँ जो गुज़रती हैं चारे वाली, वो ज़्यादा ख़राब कर देती हैं सड़क को। अगर वो ना दो तीन दिन गुजरें या बारिश पड़े तो फिर सड़क अच्छी रहती है। अगर सोलंग वगैरह हो तो फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, जो मर्जी चीज़ गुज़रती रहे। तो रेड़ियों का ये हाल है, ये कर देती हैं हाल, दो तीन भी गुजर जाएँ तो सारी सड़क को ख़राब कर देती हैं। अभी में आग पर बैठने का भी अपना ही मज़ा है, अभी आग पर थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो काफ़ी सुकून है। ज़ियान भाई भी आग के काफ़ी मौज कर रहे हैं, ऊपर शायद पानी रखा हुआ है। सर्दी में ठंडे पानी से तो नहीं नहाया जाता, गर्म करके नहाएगा जो भी जिसने रखा है। भाई अभी जाने लगे हैं जी सिटी, काफ़ी दिन से इनका इशू है कार्ड का, एटीएम कार्ड एक्टिवेट करवाना है। भाई जान अभी जाने लगे हैं, क्या बनेगा तो अभी देखते हैं। रास्ता भी काफ़ी ख़राब है तो निकलते हैं, भाई जैन भी जा रहे हैं साथ। जैन भाई ने गर्म टोपी ली है सर पे, जैन भाई ड्राइव करेंगे, गर्म टोपी ली हुई है उन्होंने, तो अभी जा रहे हैं। कौवे बेचारे कैसे बैठे हुए हैं, हम तो इंसान हैं, रज़ाइयों वगैरह हमें कम्बल में छुप जाते हैं, तो ये बेचारे ऐसे ही इन्हें दिन गुजारना पड़ता है, अल्लाह खैर करे। हमारे इलाका में ज़्यादा सर्दी नहीं होती, यहाँ ज़्यादा मशहूर है जी गर्मी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सर्दी यहाँ तक ये दो तीन मंथ ही हैं, जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, बस मार्च में फिर से गर्मी स्टार्ट है भाई साहब। तो भी हवा चल रही है काफ़ी यक ठंडा, ये शाम भाई का दिल नहीं किया चलाने का, जैन भाई को कह दिया, उन्होंने टोपी गर्म ली हुई है सर पे। सर भी काफ़ी ओढ़ के जाना चाहिए बाइक पे, ख़ास तौर पर काफ़ी सर्दी लग सकती है, हवा ठंडी ठंडी। काटने वाले नाई आए हैं तो हम लोग माँ वगैरह से कटवा लेते हैं, और रुझान उनसे ही कटवाते हैं। तो अभी कटवा रहे हैं जी बाल, और दाढ़ी वगैरह सेटअप करवाएँगे। देसी हमाम भाई साहब, जान की कटिंग स्टार्ट हो गई है। सैड पफ ओ मकचवाना, अच्छा आवे आ न बाल इथे आईवे, सुभान बाल कटवाएंगे। पहला नंबर सुभान का, दूसरा साकम का, पीछे से मशीन से काटेंगे। सुभान के बाल कटवाए जा चुके हैं, साकब की बारी अभी बाल कटवाने की। कपड़ा निका हो गया, बंदा बड़ा हो गया, कपड़ा निका हो गया ना, चक्कर में सीधा घुमाओ। अरे वाली
मशीन अच्छी तरह से नहीं चली क्योंकि चार्जिंग लो है, तो अभी कैंची से काटेंगे। अभी उस्मान भी आ गए हैं, अपने बाल नहीं कटवाने? नहीं, मैं फैशन ही कर रहा बाल कटवा ली देसी मशीन के साथ दाढ़ी की कटाई। अभी काफी टाइम हो गया, जोर के जाने भी आ गए हैं, तो अभी भैंसों को जो है बांध देते हैं, ऊपर चारा डाला हुआ है। पैसे पाल लिए हैं, बच्चों ने बाल भी कटवा लिए हैं। साकब अभी नहाएंगे, नहाई चाय पी रहे हैं। बाल बनाने वाले नहाई अभी जा रहे हैं पैदल ही, तो पहले आते थे भाई साहब ये साइकिल पे, तो साइकिल पे नहीं आए, चीकड़ वगैरह काफ़ी है, तो इन्होंने कहा कि फंस गया, बारिश वगैरह पड़ गई तो फिर मुसीबत बन जानी है, तो इसलिए साइकिल पर नहीं आए, पैदल ही आए हैं, अभी जा रहे हैं। तो ये लाइन के दूसरी पार जो पटड़ी है जल्ला मोड़, इवन जल्ला मोड़ से थोड़ा दूर इनका घर है, जल्ला मोड़ से इन्हें कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी, तो वहाँ से उस पर बैठ के आगे चले जाएंगे। तो अभी मौसम काफ़ी बादल ऊपर छाए हुए हैं भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे ख्याल में भी रात को बारिश पड़ेगी, अभी तो पक्का पता नहीं, रात को ज़रूर पड़ेगी। हवा चल रही है साथ में, बादल ही बादल हैं, सूरज को तो एक सेकेंड के लिए भी नहीं निकलने दिया बादलों ने। तो मरी वगैरह की साइडों पे तो काफ़ी बर्फ़बारी पड़ रही है, इस वजह से हमारी तरफ काफ़ी हवा है और ये बादल वगैरह हैं, नहीं तो यहाँ पे धूप ही होती है। ये जो है कुछ ही दिनों बाद आता है, कुछ महीनों बाद, एक दो माह बाद ही आता है, तो फिर वो इकट्ठे ही काफ़ी बाल काट देता है, तो उसने तकरीबन ज़्यादा ही काट दिए हैं, तो फिर वो जब आएगा तो फिर ज़्यादा विलेज में यही हिसाब होता है, जहाँ भी जाएँ। और उस्मान ने जो ने कटवा लिए अभी, नहा के शायद आया है, तो ऊपर से इस कोट पहना हुआ, तो मेरा गंजा ही उसने कर दिया है, ये देखो कैसे बाल छोटे छोटे कर दिए, मैंने कहा भी था थोड़े थोड़े से बड़े रहने दो। मेरा काफी गंदला हो गया है, तो इसे उतार लूंगा, और ये वाला जो है ब्लू वाला पहन लूंगा, तो इसे उतार देता हूँ। ये नहीं जी उतर गया, ये तो भी धुलाई के लिए इसे देते हैं, गर्म पानी से इसकी धुलाई होगी। वो सामने सफेद सफेद नज़र आ रहा होगा, साकब भाई, उस्मान और सुबहान जा रहे हैं पैसा पिंड अंडे लेने, साकब भाई को कहा था मैं जाने के ले आओ, तो वो भी वो जा रहे हैं साथ दोस्तों को लेकर पैदल ही तीनों। कच्ची सड़कें हैं, चूकड़ काफ़ी है, तो उन्हें ख़तरा है कि कहीं साइकिल से गिर ना जाए, इसलिए पैदल जा रहे हैं। भी भाई साहब आ रहे हैं बच्चे तीनों, तो सब ने हाथों में छापर पकड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या पापड़ वगैरह पकड़े हैं, एक में अंडे होंगे, बाकी जो छापर हैं पापड़ खाते हैं बच्चे आजकल के। वालेकुम अस्सलाम, आ गए हो ठीक ठाक? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। चीकड़ काफी था, बहुत ज्यादा, गिरे तो नहीं कहीं? नहीं, बच गए हम तो। बिस्किट वगैरह साथ में लेकर आए हैं। आसमान में पर अभी तक बादल हैं और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है भाई साहब। ये कल से इशू कर रहा है, ट्रांसफार्म से काफ़ी स्पार्क के आवाज़ आ रही। तो आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं ख़त्म, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।